महानगर अंतर्गत पेडलेगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर 122वीं जयंती पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र को लगाया गया और 122 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी के 122वें वर्षगांठ और 23 जनवरी को ही 13 किलोमीटर का विश्व का सबसे लंबा तिरंगा झंडा फैलाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराने के लिए। इसी कार्यक्रम के क्रम में रविवार को 122 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जन्मदिन मनाने का आगाज किया गया। इस दौरान सुरेंद्र प्रसाद, आनंद सिंह, राजन सिंह, रीना राहुल, सुजीत टुनटुन, नर्मदा आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि 122वां वर्ष अब है, उसके ही उसमें 13 किलोमीटर का तिरंगा विश्व रिकॉर्ड के लिए गोरखपुर के इतिहास को और ही महान बनाने के लिए यहां पे फैलाया जाएगा आम जनमानस के द्वारा। आज उसी के उपलक्ष्य में 122वां वर्ष के हम लोग जश्न मनाने के लिए आज यहां 122 बार हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है और ये और कल जो है यहीं पे दीप प्रज्वलन भी होगा कि क्योंकि परसों जो शुरुआत है 23 तारीख का वो पूर्णता के साथ होगा इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु का तारीख नहीं है और हनुमान जी आज भी जीवंत रूप में उनको शक्ति जो है वे पूरे धरती पे कहा जाता है कि हनुमान जी सशरीर हैं, इसीलिए हम लोगों ने हनुमान जी का आवाहन भी किया है, उनका पूजन अर्चन किया है और सभी लोग संस्था के लोग भी मिलके सब लोगों ने किया है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देती हूँ और हनुमान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप निर्विघ्न करता हो, पूरी तरह से इसको निर्विघ्नता के साथ आप आगे बढ़ाओ इसको और विश्व इतिहास में नाम दर्ज हो, ऐसा गोरखपुर वालों का आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ।